नमस्ते दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पतंजलि के दिव्य स्थिर रसायन वर्टी की डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको इस टैबलेट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स को सबसे पहले रिप्लाई के लिए और आने वाली सभी वीडियोस को बिना मिस किए सबसे पहले देखने के लिए आप प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल वाले बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो बात करते हैं पतंजलि दिव्य स्थिर रसायन वर्टी किस समस्या में इस्तेमाल होती है, ये किन प्रॉब्लम्स में सच में अच्छा काम करती है और किन प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही साधारण या फिर ना के बराबर काम करती है। तो इन सब बातों को अच्छे से समझने के लिए आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। पतंजलि दिव्य स्थिर रसायन वर्टी महिलाओं के प्रॉब्लम्स यानी महावारी या पीरियड की समस्या के लिए लिया जाने वाली दवा है। वैसे इसे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन में भी इस्तेमाल किया जाता है। पतंजलि इसे महिलाओं के पीरियड से संबंधित सभी समस्याओं के लिए कारगर बनाती है। फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए या फिर जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसे मरीजों में भी इसे लेने की सलाह पतंजलि फार्मा देती है। तो अब जरा डिटेल में जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें शिवलिंगी, पारस पीपल, नागकेशर, अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, आंवला, देवदारू, कमलगट्टा, पुत्रंजीवक, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध वंशलोचन, शुद्ध गुगुल और लोह भस्म शामिल है। तो अब बात आती है कि पतंजलि दिव्य स्थिर रसायन वर्टी कौन कौन ले सकता है और ये किस कंडीशन में कारगर है और किस में नहीं। जिन महिलाओं में पीरियड्स आते हैं लेकिन ब्लीडिंग ठीक से नहीं होती, ये उन महिलाओं में ब्लीडिंग को ठीक करने का काम ये टैबलेट करती है। पीरियड में जो दर्द होता है या फिर सिर दर्द होता है या फिर उल्टी जैसी अवस्था होती है, उसमें भी ये टैबलेट काफ़ी अच्छा काम करती दिखाई देती है। इसमें शामिल लोह भस्म और शिलाजीत खून की कमी में काफ़ी अच्छा काम करती है और कमजोरी की अवस्था में इस टैबलेट से काफ़ी अच्छा काम होता है। ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज की प्राथमिक अवस्था में ये टैबलेट अच्छा काम करती है, लेकिन क्रोनिक यानी लंबे समय तक चले आ रहे ल्यूकोरिया में ये टैबलेट कुछ खास काम करती नहीं दिखाई देती। इनफर्टिलिटी या बच्चे ना होने वाली औरतों में ये एक अकेली टैबलेट कुछ काम नहीं करती और इसके साथ और भी मेडिसिन लेने पड़ते हैं। वैसे इस दवा से इनफर्टिलिटी दूर होने के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। तो दिव्य स्थिर रसायन वर्टी के डोज की बात करें तो इसका 1-2 टैबलेट सुबह और शाम को कुछ खाने के बाद थोड़े गुनगुने पानी के साथ लेना होता है। इस टैबलेट के नॉर्मल डोज से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी होगी। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं इस टैबलेट को बिल्कुल ही ना लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पतंजलि के दिव्य स्थिर रसायन वर्टी की। यदि आपको इस टैबलेट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आपको इस टैबलेट से जुड़ी और सभी जरूरी जानकारी वहां मिल जाएगी। हम ये आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर फायदेमंद रही होगी। आपके से जुड़े सवाल हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। हम बहुत ही जल्दी एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।